ये जो हाँ जी लेट्स गो यार, अपने अभी जो डिस्कस करने लग रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ये टॉपिक एक दो साल ऐसा था कि आया ही नहीं था बोर्ड्स के अंदर, अभी दे आर टेलिंग आएगा तो वी आर डिस्कसिंग इट। इसका जो वेटेज है, टॉपिक बहुत ही इजी है, सुपर इजी टॉपिक है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। इसका जो वेटेज है आपका आई थिंक बोर्ड्स में आएगा 5 से 6 नंबर का, उससे ज्यादा का आना नहीं चाहिए, ठीक है। और क्लास भी जो है इसका ज्यादा क्लास लगता नहीं, आई थिंक 1 या 2 क्लास लगता है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, इस बार कुछ ऐड किया है क्या इन्होंने, नहीं नहीं ऐड किया है, तो आई थिंक 2 क्लास इनफ है अपना इस टॉपिक को डिसमेंटल करने के लिए। थोड़ा सा ना शुरू से शुरू करना पड़ेगा बातचीत, क्योंकि तो टॉपिक और कॉन्सेप्ट नया है, ठीक है, समझिएगा बात को। हाँ जी, शेयर्स एंड डिविडेंड्स पार्ट वन, समझिए बात। एक कंपनी है, ठीक है ना, थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करना और साथ साथ कॉपी मत करना, सुनना बस। एक कंपनी है, इसको यार बिजनेस करने का है, ठीक है, और ये कंपनी अभी तक अच्छा अच्छा खासा काम कर लिया है, लेकिन इसको एक्सपेंड करना है जोर से। एक एग्जांपल जिससे आप लोग रिलेट कर पाएगा वो है बारबेक्यू नेशंस। बारबेक्यू नेशन सब गया होगा या नाम सुना होगा इसका, ये बेसिकली एक फूड चेन रेस्टोरेंट। बारबेक्यू नेशंस के पास तो सर अच्छा पैसा है, तो इसको पैसा और क्यों चाहिए। इसके पास इतना पैसा तो है कि अपना एक ब्रांच खोलिए, बट ये सोचा है कि हम पूरा इंडिया में एक साथ स्प्रेड हो जाए, तो इसको लोगों से पैसा चाहिए। अब बारबेक्यू नेशंस के पास दो तरीका है पैसा रेस करने, सिंपल सा बात। एक तो लोन ले लिए बाजार से, बट लोन के साथ एक बहुत बड़ा समस्या है कि अगर आपने लोन लिया है तो आपको लोन पर इंटरेस्ट पे करना हो। आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने कोई पैसा उनसे लिया है तो बस आपको वो चुकाना पड़ेगा, फुल स्टॉप। रिस्की अफेयर है। बारबेक्यू नेशन सोचता है दूसरा रास्ता है बाजार में शेयर्स इशू करना। शेयर्स इशू करने का मतलब क्या होता है सर? मतलब बारबेक्यू नेशंस का ओनर बोल रहा है कि आज तक तो इस कंपनी का 100% शेयर मेरे पास था, लेकिन आज से तुम लोग को भी हम मौका दे रहे हैं कंपनी का ओनर बनने का। कैसे? कंपनी को मान लो 1 करोड़ का दरकार है, ₹1 करोड़। तो कंपनी को जो ये 1 करोड़ का दरकार है, समझना बात को, कंपनी को जो ये 1 करोड़ का दरकार है, कंपनी ये दरकार को अपना कैसे पूरा कर रहा है, कंपनी इस दरकार को अपना कैसे पूरा कर रहा है, कंपनी इस 1 करोड़ रुपया को लोगों से मांग रहा है। लोगों से मतलब मेरे से, आपसे, 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 आपसे। अच्छा, टोटल में बारबेक्यू नेशंस का जो वैल्यू है वो 10 करोड़ हो जाएगा। मतलब बेसिकली 1 करोड़ अगर रेस कर रहा है, मतलब जो बारबेक्यू का नेशंस का ओनर है वो अपना 10% ओनरशिप छोड़ने को तैयार है, क्योंकि 10 करोड़ का अगर टोटल कंपनी है और 1 करोड़ आपसे मांग रहा है तो टोटल में कितना हुआ, 10% हुआ ना, 1 करोड़ बाय 10 करोड़। तो यानी कि सामने वाला जो कंपनी है आपको 10%, सामने वाला जो कंपनी है आपको 10% ऑफर करने को तैयार है, ओनरशिप इन द कंपनी। ठीक है सर, अभी तक तो बात क्लियर है कि भाई 10 करोड़ है कंपनी में, ऑलरेडी 1 करोड़ का उसको दरकार है, तो यानी 10% का ओनरशिप दे रहा है। अब वो किसको ऑफर कर रहा है बारबेक्यू नेशन? समाज को, मेरे को, आपको, 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 आपको। लेकिन सर अब एक प्रॉब्लम है कि हम लोग के पास कहां से आएगा 1 करोड़। सही बात है, 1 करोड़ मेरे पास इंडिविजुअली है, इसके पास इंडिविजुअली है, इसके पास इंडिविजुअली आज शायद ना हो, बट अगर हम लोग सब कोई जुड़ जाए तो, हम लोग सब कोई जुड़ जाए तो, हम लोग सब कोई जुड़ जाए मतलब हम लोग सबका पैसा जुड़ जाए तो 1 करोड़ बन जाएगा। तो बारबेक्यू नेशंस क्या करता है, उसको मालूम है कि यार इंडिया में तो मिडिल क्लास लोग हैं, या दुनिया में मेनली लोग मिडिल क्लास है, तो 1 करोड़ हम कैसे मांग सकता है। तो वो इस 1 करोड़ का बारबेक्यू नेशंस क्या करता है, 10 लाख हिस्सा कर देता है, 10 लाख या 1 लाख, एक बार के लिए 1 लाख हिस्सा कर देता है, 1 लाख पार्ट्स कर देता है, डिवाइड बाई 1 लाख कर दिया, 1 लाख टुकड़ा कर दिया, 1 लाख पार्ट्स कर दिया। तो अब एक पार्ट कितने रुपए का हो गया, बोलिए, 100 रुपए का।
अब एक इंडिविजुअल जिसके पास 100 रुपया भी घर पे रखा हुआ है वो एक पार्ट खरीद सकता है कंपनी का, इसी पार्ट को शेयर बोलते, इसी पार्ट को शेयर बोलते हैं, इसी पार्ट को हम लोग शेयर बोलते हैं। तो शेयर कुछ भी नहीं है, आप अगर शेयर खरीदे, हम क्या किया, हम शेयर खरीदा, हम शेयर खरीदा मतलब हम कंपनी में ओनरशिप खरीदा बस। अब देखो दोनों के लिए विन विन है, एक होता है शेयर होल्डर, मैं जिसने शेयर खरीदा, और एक कंपनी जिसने शेयर बेचा। कंपनी का क्या लाभ, कंपनी का ये लाभ है कि कंपनी ने मेरे को शेयर इशू किया तो कंपनी को बदले में पैसा मिला, और कंपनी को इस पर कोई फिक्स्ड रिटर्न देने का दरकार नहीं है, जैसे डेट में था कि कंपनी को हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे कंपनी के पास पैसा हो या, यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां ऐसा कुछ नहीं है, पैसा है तो दो, नहीं है तो नहीं दो। इसको मैं थोड़ा और बेटर समझाऊं, डेट आपके घर पे आए हुए रिलेटिव्स की तरह है, और इक्विटी आपके घर के लोग हैं। अगर कृतिक आपके घर पे खाना बना है, कृतिक के घर पे पार्टी है और खाना बना है, कृतिक के घर पे गेस्ट लोग आए हैं, कृतिक खाना पहले किसको मिलेगा, तुम खाने बैठेगा, ऐसा होता है क्या, गेस्ट लोग को बोलता है आप लोग वही हॉल में बैठ के लिए हम लोग खा रहे हैं, फिर आप लोग को आप लोग से बात कर, ये तो नहीं हो रहा, उल्टा होता है, पहले तुम सर्व करता है फिर घर पे जो खाना बच गया वो तुम लोग खाता है। यही है इक्विटी शेयर होल्डर लोग या शेयर होल्डर लोग, जो पहले खाना बांटता है, बटने के बाद जो बच गया वो खाता है, पहले किसको बटता है, डिबेंचर होल्डर्स को या आउटसाइडर्स, शेयर होल्डर्स तो ओनर्स है, इसलिए कंपनी को इनको कुछ देना है ये गारंटी नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता अगर पैसा नहीं है तो। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि सर तब कोई पागल थोड़ी ना जो शेयर खरीदेगा, नहीं, पहला बात आपको शेयर खरीदने से कंपनी का ओनरशिप मिल रहा है, दूसरा शेयर का वैल्यू जोर से ऊपर नीचे होता है। एक एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप कोविड के टाइम पे खरीदते हैं, 1100 रुपीज का पर शेयर था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आज वही शेयर 2400 का, एक शेयर का कीमत, मतलब आप एक शेयर पे 1300 रुपये बना रहे होते हैं एक शेयर पर। और वो जो ये लोग है विजय केडिया और ये लोग जो बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टर्स लोग है, राकेश जूनियर वाला, ही इज नो मोर, वो उस समय 10,000 शेयर खरीदा था रिलायंस का, अब इमेजिन द प्रॉफिट दे हैड मेड। आ रहा है बात समझ में, अब हम आपको क्या समझा रहे हैं, शेयर का वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, पहला फायदा तो ये, दूसरा अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ, आप लोग ये क्यों सोचते हैं, कृतिक ये क्यों सोचता है कि खाना नहीं बचेगा, ये भी तो हो सकता है कि गेस्ट तुम घर पे लाया था 15 आइसक्रीम, गेस्ट में से सबको सर्दी था, खाली 2 ही लोग खाया, तो 13 आइसक्रीम तुम खाएगा, बात समझ आया क्या हुआ, इसका मतलब अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, बाहर वालों को तो फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा क्योंकि सामने वाले से हम उधार लिया है, तो उसको तो हम लिमिटेड अमाउंट ही देगा, बाकी सारा अमाउंट किस में बटेगा, ओनर लोग में, तो फायदा है कि नहीं है, है। कम हिस्सा बच गया तो नुकसान आपका, पर ज्यादा बच गया तो फायदा भी तो आपका, जब ज्यादा फायदा के लिए खेलेगा तो ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा, बात समझ में आया, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अ शेयर, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में किसको किसको शेयर का मतलब समझ में आ गया कि शेयर क्या हो। अगर घर क्लास से बाहर निकला कोई पूछा, जितना सुंदर से हम बोला, जितना प्यार से हम बोला वो तो तुम लोग बता नहीं पाएगा, कोई अगर पूछा शेयर क्या होता है, तुम बोल देना ओनरशिप ऑफ द कंपनी, बस सामने वाला समझ जाएगा तुम गधा नहीं है। शेयर का मतलब तुम्हारे पास कंपनी का ओनरशिप, शेयर का मतलब तुम्हारे पास कंपनी का ओनरशिप है एक सर्टेन परसेंटेज, वो 1% हो सकता है, वो 0.1% हो सकता है, वो 0.01% हो सकता है, तुम्हारे पास कंपनी का ओनरशिप। बात चमका सर, बातचीत तो एकदम चमका, अगर ये बात क्लियर है, कॉपी करने का तो कुछ है नहीं, अभी तक तो एक्सप्लेन कर रहा था, कुछ बताया ही नहीं है। अब एक और टर्म आप लोगों को हम निकाल के दे रहा है, एक्चुअली दो टर्म एक साथ दे रहा है, आप लोग समझने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं है, ध्यान से सुन रहा। सबसे पहला होता है शेयर का फेस वैल्यू, सबसे पहले होता है शेयर का फेस वैल्यू, जिसको हम लोग प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू स्लैश नॉमिनल वैल्यू स्लैश प्रिंटेड वैल्यू स्लैश प्रिंटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये वो कीमत है जो शेयर के चेहरा पे लिखा हुआ, मतलब शेयर बिकेगा, ये कितने का शेयर है, 100 रुपया का। एक मिनट, जब मैं बोलता हूं कि ये शेयर 100 रुपया का है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको 100 रुपये में बेच दूंगा, इसका मतलब इसका वैल्यू
इसका औकात 100 रुपया का। रियल लाइफ में अगर इस शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा चल रहा होगा तो क्या ये 100 में बिकेगा क्या? नहीं, 120। यस करेक्ट लॉजिक, 120, 150। क्या बात कर रहे हो, एमआरएफ का एक शेयर जो 1000 रुपया का है जिसका फेस वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू 75,000 है, 75,000 है। एमआरएफ का एक शेयर 75,000 पे बिकता है। तो याद रखना, शेयर का खरीदना बेचना फेस वैल्यू पे नहीं होता है। फेस वैल्यू एक वैल्यू है जो कंपनी शेयर के चेहरा पे लिख रखा है, इट्स लाइक अ प्रिंटेड वैल्यू। आप लोग देखो ना, आप लोग पेंटालून में शर्ट खरीदने गए, पेंटालून में शर्ट खरीदने गए, जो उसके स्टिकर पे लिखा है, कभी भी मतलब ना के बराबर केसेस होता है जहां पे एग्जैक्टली वही वैल्यू देना पड़ता है, या तो उससे कम लगता है क्योंकि डिस्काउंट विस्काउंट कुछ ना कुछ मिलता है, या उससे ज्यादा लग सकता है। उससे ज्यादा हम लोग नहीं देखते हैं, बट शेयर में उससे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा है। तुम इमेजिन करना, अगर ये रूम पूरा अपना भरा हुआ है और स्टूडेंट लोग इसी टाइम पे आना चाह रहा है, तो हम क्या करेगा? फीस बढ़ा देगा। हम बोलेगा वही पैक जो इस फीस पे अफोर्ड कर सकता है। बात नहीं समझ रहा है क्या? सेम लॉजिक से जब शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शेयर फेस वैल्यू पे बिके ये जरूरी नहीं है। सर क्या फेस वैल्यू पे कभी नहीं बिकता? बिक भी सकता है, बट फेस वैल्यू का मतलब सेलिंग वैल्यू नहीं होता। शेयर का खरीदना बेचना चलता है मार्केट वैल्यू पे, शेयर का खरीदना बेचना चलता है मार्केट वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द शेयर, ये कभी बदलता नहीं है। लिख लो, ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सॉरी सर, हाँ वेरी गुड, एकदम सही बोला। स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर, स्टार्टिंग वैल्यू, और लिखो डिविडेंड इज कंप्यूटेड ऑन दिस वैल्यू। डिविडेंड इज कंप्यूटेड ऑन दिस वैल्यू। हाँ, आप लोगों को मैं डिविडेंड का मतलब नहीं समझाया, फिर भी लिख दिया डिविडेंड, आई नो दिस, वो चाप मत लेना। आया ना, डिविडेंड इज कंप्यूटेड ऑन दिस वैल्यू। क्योंकि आप लोगों के मन में तो ये डेफिनेटली आ रहा होगा ना कि फेस वैल्यू का अगर प्रैक्टिकली कोई काम ही नहीं है तो आप किस लिए लिखा रखा है फेस वैल्यू? काम है, क्योंकि जब आपको डिविडेंड निकालना होगा ना, वो आप फेस वैल्यू पर ही लगाओ। तो आपके मन में भी एक सवाल और पैदा हुआ कि डिविडेंड क्या होता है सर? मैं आपको क्या बोला, दो ऑप्शन देता हूं, मेरे को बताना, अगर सही आंसर दिया मतलब तुम लोग समझ रहे बात को। ऑनलाइन वालों, पहले आपसे क्वेश्चन है, जो लोग कंपनी का शेयर होल्डर्स होता है वो लोग कौन होता है? दो ऑप्शन दे रहे हैं, नंबर वन आउटसाइडर्स या ओनर्स। क्या लगता है, जो लोग कंपनी का शेयर होल्डर्स है वो लोग क्या है, आउटसाइडर्स है या कंपनी का ओनर्स है? ये बताना मेरे को। ऑनलाइन वालों, हर्षित का आंसर आया पहले, फॉलोड बाय सूर्यांश, करेक्ट आंसर दिया। क्या है ऑफलाइन, क्या है? सही बोला सबको, ओनर्स है। ओनर्स को प्रॉफिट मिलता है, ओनर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो किसी शेयर होल्डर को मिला उसको डिविडेंड दो। डिविडेंड क्या है? अरे देखो यार, कंपनी 1,00,000 का प्रॉफिट किया, मेरे पास अगर कंपनी का 10% शेयर है तो मतलब मेरे को 10,000 रुपया मिलता है ना, वो मेरा डिविडेंड हो गया। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। लिख लो डिविडेंड is the part of profit distributed among the shareholders. Dividend is a part of profit distributed among the shareholders. तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट वैल्यू। याद रखना एवरीवन, एवरी फ्रेंड, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है, हेलो, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिसपे शेयर खरीदा बेचा जा रहा है। तो तुम शेयर को अगर खरीद रहे है या बेच रहे, तुम किस वैल्यू में कर रहा है? मार्केट वैल्यू, एमवी और मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू
एट विच बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस. MV or market value is that value at which buying or selling of shares take place. हो गया क्या मार्केट वैल्यू चमका क्या? वेरी गुड सर, सर मार्केट वैल्यू समझ में हम लोग को आ गया. हाँ अब यार एक मिनट, लिखना मत सुनना यार. मार्केट वैल्यू से रिलेटेड ना तीन बातें हो सकती, मार्केट वैल्यू से रिलेटेड तीन बातें हो सकती. पहला बात, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो उसका फेस वैल्यू पे है. मान लो कि शेयर 100 रुपये का था और 100 रुपये पे वो बिक रहा है. इसको बोलते हैं शेयर्स आर ट्रेडिंग एट पार. शेयर्स आर ट्रेडिंग एट पार. एट पार का मतलब है जितना फेस वैल्यू है बाजार में खरीदना बेचना उसी वैल्यू पे चल रहा है. आया बात समझ में? तो मतलब अगर 100 रुपया का फेस वैल्यू है शेयर्स का, मैं बोला शेयर्स आर ट्रेडिंग एट पार, मतलब आपको क्या समझ में आया? मतलब 100 रुपया में ही शेयर का खरीदना बेचना हो रहा है. तो यानी कि एमवी अगर एफवी के बराबर है, एफवी मतलब अब पता है ना फेस वैल्यू, इसका मतलब शेयर्स आर ट्रेडिंग एट पार. शेयर्स आर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना हो रहा है एट पार. क्योंकि काफी बार ये लाइन लिखा हुआ रहेगा, मैं बाद में आप लोग मेरे से नहीं पूछ पाओगे कि सर मतलब बताइए, क्योंकि तब सम्स में घुस चुके होंगे, इसलिए पहले ही क्लियर कर रहा हूं. पार का मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक हो. आया बात समझ में? सर बात तो समझ में आया, नेक्स्ट बात बोलो आप. काफी बार ऐसा होता है जब शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा होता है ना, तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल शेयर बिक रहा है 150 रुपया में, 150 रुपीज में, जबकि शेयर का फेस वैल्यू 100 ही है. इसको बोलते हैं शेयर्स आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम. शेयर्स आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब है शेयर का फेस वैल्यू कुछ भी हो, मार्केट वैल्यू पक्का फेस वैल्यू से ज्यादा है. शेयर्स आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम. Shares are trading at premium. और अगर उल्टा हुआ, आजकल ये ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, बस लिखने का बात है कि मान लो शेयर 100 रुपया का है, बाजार में बिक रहा है 90 रुपया, तो ये तो वर्ड सबको ही जानते हैं ना, डिस्काउंट बोलते हैं. मतलब शेयर्स आर ट्रेडिंग एट डिस्काउंट. ये उस शेयर का होता है जिसका प्रोस्पेक्ट या जिसका लोगों को लगता है कि ज्यादा कुछ खास ये कर नहीं रहा है, इसको बोलते हैं शेयर्स आर ट्रेडिंग एट डिस्काउंट. लिख लो शेयर्स आर ट्रेडिंग एट डिस्काउंट. वेरी गुड एवरीवन. हो गया क्या बातचीत खत्म? सर बातचीत खत्म है ना? यस सर, ये बातचीत तो खत्म है हमारा. अभी इधर पे सुना. हेलो, हो गया क्या डन क्या? वेरी गुड. अब एक एग्जांपल, एक एग्जांपल. बेस वैल्यू लिख लो साथ साथ ही. बेस वैल्यू ऑफ अ शेयर is rupees 50, buy has 5 shares, shares market value is rupees 100, dividend is 8%, dividend is 8%, find dividend amount received by Y. Find dividend amount received by Y.
कॉपी कर लो पहले इतना क्वेश्चन। हाँ जी इधर समझिए, मैं आपको क्या बोला था, कृत्य डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, फेस की मार्केट डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, देख लो लिखवाया है। तो मैं आपको क्या बोलता हूं, पहले आपको टोटल फेस वैल्यू निकालना होगा, एवरीबडी ओम, पहले आपको क्या निकालना होगा, टोटल फेस वैल्यू। कहने का मतलब है 50 रुपये का एक शेयर और कितना शेयर है 5, तो टोटल फेस वैल्यू हो गया 50 × 5 यानी कि ₹250। अब आपका जो डिविडेंड होगा वो होगा 8/100 × 250। क्यों? क्योंकि यार ऐसा है कि मेरे पास 250 का शेयर्स है, एक तो शेयर 50 रुपया का फेस वैल्यू है, अरे तो सर 5 शेयर है मेरे पास तो 250 रुपये का हुआ ना, 8% यानी कि ये गया 25 × 8। एवरीवन 25 × 8 आई गेस 200 होता है, तो 200/10 यानी आई थिंक सो अपने लोग का ₹20 आ गया। ये है डिविडेंड रिसीव। मतलब टोटल डिविडेंड मेरे को कितना रुपया मिला, 20 रुपया मिला। ऑब्वियसली आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक शेयर पर डिविडेंड निकालो और फिर × 5 कर दो, वो सब तो बचपना वाला बात है, कर सकते हो। क्लियर है? अब आप लोग इतना कॉपी कर लिए, दो लैंग्वेज है जिसमें डेटा दिया हुआ रहता है, दो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज समझने का कोशिश लिखो। स्टेटमेंट 1 ऐसे दिया हुआ रहा तो क्या समझना है वो आपको बता रहा है। स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है 15% of ₹100 shares at ₹145, ऐसे लिखा हुआ है, लिख लो। इंटरप्रिटेशन मतलब क्वेश्चन में अगर इस भाषा में कुछ दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या समझना है वो आपको मैं बता रहा हूं। आर वी रेडी? हेलो, आर वी रेडी? पहला जबान आपको ये समझ में आना चाहिए, पहला जबान आपको ये समझ में आना चाहिए एवरीवन, कि ₹100 शेयर्स का मतलब है एक शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है। तो पहला इंटरप्रिटेशन फेस वैल्यू ऑफ, ये लिख लो पॉइंट ए, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹100। पहली बात तो ये समझ में आई। तो दूसरी बात क्या समझ में आती है, एट 145 मतलब एक शेयर की मार्केट वैल्यू है ₹145। लिख लो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू ₹145। पहले दूसरी बात, और तीसरी बात 15% है, इसका मतलब जो डिविडेंड रेट है वो 15% है, डिविडेंड रेट है वो 15% है। अच्छा एक बात याद रखना, ये हो गया, ये समझ में आ गया ना इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन। आया क्या? अब ये स्टेटमेंट 1 था, सीख गया ये लिखना, कॉपी कर लिया आप लोग ने, कर लिया कॉपी आप लोगों ने। स्टेटमेंट 2 लिखिए, ठीक है, 12% ₹25 शेयर्स एट डिस्काउंट ₹5
फिर लिखो इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन एवरीवन अगर अपने इंटरप्रिटेशन लिखे तो रुपीज 25 का शेयर है, रुपीज 25 का शेयर है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू क्या हो गया बोलिए, रुपीज 25। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना जी, रुपीज 25। 5 रुपया डिस्काउंट पे है, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 5 रुपया कम है, क्योंकि डिस्काउंट है, मतलब 25 रुपये में 5 रुपया गया, तो डिस्काउंट माइनस करके मार्केट वैल्यू आया 20 रुपया। और तीसरा जो डिविडेंड रेट है वो 12% है, जो डिविडेंड रेट है वो 12% है, ये यहां पर इंटरप्रिटेशन हुआ। डन है क्या एवरीबॉडी? यस। अब अगर ऑनलाइन वालों क्लियर है इतना बात, आगे बढ़ते हैं। टेल मी, यस सर, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ यील्ड। स्लैश रेट ऑफ यील्ड, लिख लो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम बाय मार्केट वैल्यू इनटू 100। लिखो आप लोग इनकम बाय मार्केट वैल्यू इनटू 100। इनकम बाई मार्केट वैल्यू इन टू 100। सर बात समझ आया। एग्जाम्पल, सपोज फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 100, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 150, डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। Find rate of return. Slash yield. भैया तो सबसे पहले तो आप लोग को इनकम यानी कि डिविडेंड निकालना होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया एक इंडिविजुअल का जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसको डिविडेंड या इनकम बोलते हैं। तो यशवी आप मेरे को बताओ कि डिविडेंड अमाउंट कितना होगा या निकालेंगे कैसे? डिविडेंड किस पे कंप्यूट होता है? फेस वैल्यू पे। डिविडेंड का रेट कितना दिया हुआ है? 20%। तो मैडम 20/100 हुआ इनटू, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इनटू 100, यही तो बात कर रहे थे तब, इनटू क्या हुआ 100। तो यानी कि आपका डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, सिया कितना डिविडेंड मिला आपको? 20 रुपीज। पहले इतना लिखो, लिपिका कितना डिविडेंड मिला आपको? 20 रुपीज। आकृति पीछे क्लियर है? वेरी गुड कृतिव। अब कृतिव अपने को निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑन इनकम या रेट ऑफ इनकम। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा, रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा 20 रुपया कमाया आपने, जितना रुपया कमाया एक शेयर पे, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 150 रुपया, यानी कि 150, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। इंटू 100 क्यों किया? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 0-0 गया आपका, तो 200/15% आया हमारा, जो कि आपका अगर काटाकुटी करो 5 से तो 540 था, और 5 3 था, यानी कि लगभग लगभग 13 1/3
परसेंट आया। तो याद रखना डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न अलग बातें हैं। डिविडेंड होता है फेस वैल्यू पे और रेट ऑफ रिटर्न होता है मार्केट वैल्यू पे, दो अलग अलग बातें हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो? यस और नो? कम ऑन, अभी खाली कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जब सम करेंगे तो आपको एकदम मक्खन मजाक लगेगा, है ना। पहला दो सम में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तीसरा सम में एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन वालों? यहां तक क्लियर है? हाँ या ना बोलिए प्लीज। ठीक है सर, अब आप लोग समझिए, इनकम टैक्स किस पर लगता है भाई? नाम में ही लिखा हुआ है, इनकम पर, कैलकुलेटेड ऑन इनकम, ऑन इनकम। पर एक बात याद रखना, आपके पास अगर कोई इनकम है, मान लो मैं इस साल या इस मंथ 100 रुपए कमाया, 100 रुपीज में कमाया, अब इसके बाद क्या हुआ, मोदी जी आया और मेरे से आके टैक्स ले लिया 30 रुपया, इनकम टैक्स, मेरा इनकम टैक्स गया, जो मेरे पास बचा उसको बोलता है नेट इनकम, जो हम खर्चा कर सकता है। नेट इनकम को डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, बट अभी इकोनॉमिक्स नहीं चल रहा है तो भूल जाओ उस चीज को। 100 रुपीज अगर आपके इनकम है, 30 रुपीज सरकार आपसे ले गया, तो आपके पास बचा कितना, 70 रुपीज, वो आपको अपना घर खर्चा के लिए यूज करना है। इसको बोलते हैं नेट इनकम। रियल लाइफ में वो 30 रुपीज नहीं है, कुछ और अमाउंट है। मेरे को भी रियल लाइफ का बात नहीं करना, रियल लाइफ में उससे ज्यादा ले जाता है, तो वो अलग चीज है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस तरीके से नेट इनकम निकलता है। लिख लो फटाफट, अब सम पे चलेंगे, बहुत बात हो गई। इसके बाद ना अब लगभग तय है कि आप लोग सम्स कर सकेंगे। आई डोंट सी एनी रीजन कि आप लोगों का जो है क्वेश्चन में कहीं अटकेगा, मतलब ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन करो, लिखिए रमन हैज 450 शेयर्स, लिखा क्या आप लोग? रमन हैज 450 शेयर्स, रमन हैज 450 शेयर्स ऑफ ₹200। तो मैं ये बताइए, आप जब पढ़े ऑफ ₹200 आपका क्या इंप्रेशन रहा, ये 200 रुपया क्या होगा, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? गलत, बाय डिफॉल्ट हमेशा फेस वैल्यू पहले दिया हुआ रहता है। आप लोग क्या पढ़े हो, एकदम 15% ऑफ ₹100 शेयर्स, ये जबान सिखाया था नहीं सिखाया था? ऑफ ₹100 शेयर में 100 क्या था, फेस वैल्यू, तो कैसे मार्केट वैल्यू? रमन एस, इसीलिए बोला है कि ध्यान से सुनना यार, बात देखो, बात बार बार बोल रहे हैं, जितना बार रिपीट करवाना है करवा लो, बट कायदे से सुनो। रमन एस 450 शेयर ऑफ ₹200 ऑफ अ कंपनी पेइंग डिविडेंड ऑफ 16%, ये तो फ्लैट बात है। आप लोग ट्राई करना, फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग, बुक सबका बंद रहेगा प्लीज, आफ्टर पेइंग एन इनकम टैक्स ऑफ 20%। एक बार और बोल रहा हूं, बुक सबका बंद रहेगा प्लीज, फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग एन इनकम टैक्स ऑफ 20%। ट्राई करें अब आप लोग प्लीज। बात करो भाई, बुद्धि लगाओ, थोड़ा बुद्धि खर्चा करो।
गया ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो यार सोचो ना, हेलो टोटल डिविडेंड ये भाई कितना कमाएगा, इधर देखो हेलो इसके पास कितने शेयर्स है, 450, तो 450 इंटू शेयर की फेस वैल्यू क्या है 200, और हर शेयर पे ये कमाएगा कितना भाई 16%, बस वेरी गुड, बहुत ही नेचुरली आएगा आप लोगों को ये। तो 32 × 450 आप लोग कर लो, ₹14,400 आ रहा है। लेकिन क्या अब हम लोग को ये पैसा घर ले जाने को देगा सरकार? नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा आओ आओ इधर आओ, पहले 20% हमारा दो। तो इनकम टैक्स लगेगा अब आपका, इनकम टैक्स हमेशा इनकम पर ही लगेगा, समझ आया? इनकम टैक्स यह कितना दिया हुआ है तो इस पर लगेगा, हाँ या ना? तो यानी कि 20 × 100 × 14,400 यानी अगर आप काटोगे आई थिंक 2,880 आ रहा है। ये पैसा क्या सीआर मेरे पास रहेगा कि गवर्नमेंट ले जाएगा? गवर्नमेंट ले जाएगा जी बिल्कुल। तो जो नेट इनकम बचा यार एवरीवन, वो क्या हुआ 14,400 में से जो सरकार ले गई, जो बचा वो लिख लो आप लोग, ₹11,520 बचा, दैट इज अवर आंसर। कहाँ टफ? तो डाउट है तो अभी पूछने का है, पीछे लिपिका क्लियर है बात? धीरे धीरे आएगा, समझ आ रहा है ना? फिर से देख, ही इज करेक्ट। आप लोग तने का क्वेश्चन ही नहीं पूछ, समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो डिविडेंड है वो हम लोग फेस वैल्यू पे कंप्यूट कर रहा है? बात समझ है, तुम जाके डिविडेंड कंपनी से चिंता नहीं मिली, कंपनी डिविडेंड अनाउंस करो, ठीक? अब आज अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हम 20% डिविडेंड अनाउंस किया, अब एक बात बता, मार्केट वैल्यू कांस्टेंट रहता है? नहीं सर। तो अब अगर हम 20% डिविडेंड अनाउंस किया तो शेयर होल्डर लोग क्या पूछेगा? ओ भाई किस वैल्यू पे, किस वैल्यू पे, कौन सा मार्केट वैल्यू पे, कल तो मार्केट वैल्यू, अरे मार्केट वैल्यू मालिक हर सेकंड चेंज होता है, मार्केट वैल्यू हर सेकंड चेंज होता है, तो कौन सा मार्केट वैल्यू? तो जो डिविडेंड लगाना है वो एक ऐसा वैल्यू पे लगाना है ज्यादा लॉजिकल लगता है, जो स्थिर रहता है, रुकना बात, जो स्थिर रहता है। स्थिर क्या रहता है? फेस वैल्यू। तो पहला बात तो आपका आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू हम लोग यूज करते हैं रेट ऑफ रिटर्न के लिए। दुनिया में मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, जिस दाम पे हम खरीदा है कृत्रिम वो तो मेरे को पता रहता है, हम जो इन्वेस्ट किया, जिस दाम पे हम इन्वेस्ट किया उस पर हम फायदा किया कि नुकसान, उसके लिए रेट ऑफ रिटर्न यूज करते हैं, तब मार्केट वैल्यू बना हो। हाँ या ना बोलो, बाकी धीरे धीरे समझ आएगा, एक बार में पकड़ो मत। ICSE 2012 का एक क्वेश्चन है, अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनरली ना मैं जो देखा हूं इसी नेचर का क्वेश्चन आता है, एक डेटा दे देगा और उसका 2-3 पार्ट दे देगा, बोलेगा निकालो और खत्म, यही है। लिखो, अ मैन इन्वेस्ट ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹80, इफ डिविडेंड रेट इज, डिविडेंड रेट इज DR मतलब डिविडेंड रेट इज 18%, फाइंड, अपना अपना ट्राई कीजिएगा, नंबर ऑफ शेयर दिस मैन बाइज, टोटल डिविडेंड और परसेंटेज रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली ऑन शेयर्स, ट्राई कीजिए सब कोई।
नहीं करो, गलत होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करो। अच्छा अब आप लोग जो है इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज, जो भी लिख लिया जहां तक भी लिख लिया रुक जाना, हम एक बार समझाएगा फिर नहीं बोलेगा दोबारा, इसलिए सुन लो। ये भाई कितना खर्चा किया, 9600, सुनो ना आप लोग सबको ही, टोटल इन्वेस्टमेंट ये भाई कितना किया, 9600। अपने को मालूम है इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 80 रुपीज मार्केट वैल्यू पर शेयर अपने लोग का कितना है, ₹80। सर मार्केट वैल्यू को आप क्यों इतना ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि इसी वैल्यू पे तो ये खरीदा होगा, क्योंकि हम आपको बोला था शेयर का खरीदना बेचना किस वैल्यू पे चलता है, मार्केट वैल्यू पे। तो सबसे पहले जो आप लोगों का सवाल था, नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेस्ड, भाई बहुत ही इजी है, कोई भी इंसान जानता है कि 9600 खर्चा किया है और एक शेयर का ₹80 दाम है, तो कितना शेयर खरीद के लेकर आया होगा यार, ये तो कोई भी इंसान जानता है। 120 शेयर्स, कौन कौन सही किया हाथ उठाना यार, क्या बात है, क्वाइट अ फ्यू, ऑलमोस्ट ऑल, वेरी गुड। तो 120 शेयर्स ऑनलाइन वालों, यस और नो, वेरी गुड यार। तो ये 120 शेयर जो है ये भाई परचेस करके ले आया, 120 शेयर ये भाई परचेस कर लिया। सेकेंड बात है टोटल डिविडेंड, डिविडेंड अब हर इंसान जानता है यार किस पे कंप्यूट होता है, फेस वैल्यू पे, कितना बार बोलेगा बताओ। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू है ₹100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स है 120 इंटू जो डिविडेंड रेट है आपके पास वो कितना है, 18% है, 18% है, 18/100, क्योंकि याद होगा फेस वैल्यू पे होता है। सर याद रखना ये वाला 100 फेस वैल्यू का 100 है, 100 100 गया, 18 into 120, 18 into 120 कर लीजिए आप लोग का कितना आया भला, ₹2160। यहाँ इनकम टैक्स का मसला है नहीं। तीसरी बात, तीसरी बात अब आप लोग समझो, परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न ये किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे। याद होगा आप लोग को रेट ऑफ रिटर्न कृतिक बताया हुआ है, ओम बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है, ओम बोलो बताया हुआ है नहीं बताया हुआ है, बताया हुआ है ओम इज टेलिंग। ओम आप देखो 2160 कमाए लेकिन लगाए कितना थे ओम, 9600, कितना खर्चा किया था, 9600 खर्चा किया था। तो 2160 बाई 9600 इंटू 100, बस काटा कुटी कर लो, 2160 बाई 96, आई थिंक 22.5 आएगा, इतना परसेंटेज आपने पैसा बनाया, खत्म हो गया, मतलब जो हम इन्वेस्ट किया उस पर हम 22.5% बनाया, क्योंकि हम इन्वेस्ट कितना किया 9600, हम कमाया कितना 2160, खत्म। किसी को कोई डाउट है बिंदास पूछो अभी। एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, अगर ये गलती की हो तो, मतलब बोर्ड कितनी बार रिपीट किया, ये 2012 का जैसा क्वेश्चन ही 2018 में रिपीट किया है, हो गया ये वाला सबका, हो गया सबका। चलिए 2018 का वो क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है दो क्लास का, तो फ्राइडे वाला क्लास एक और लेगा, इस वीक ये चैप्टर ही डिसमेंटल हो गया, खत्म। क्वेश्चन है अगर आप लोग रटने जा रहे हो कभी ये चैप्टर नहीं पकड़ में आएगा, और समझ गए तो आज का क्लास में खत्म हो गया ये चैप्टर, मतलब ये मान के चल सके। अ मैन इन्वेस्ट ₹22500 इन रुपीज 50 शेयर्स, इन ₹50 शेयर्स अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट, डिविडेंड रेट इज 12%, कैलकुलेट। देखो सिमिलर डेटा, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड एनुअल, मतलब पूरे साल में कितना डिविडेंड मिला, वही डिविडेंड निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न इन होल नंबर, मतलब कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन मत दिखाना, चलो इन होल नंबर।
चलो अटैक। चलिए बात करते हैं, अभी इधर ध्यान देंगे, है ना, बहुत टाइम वेट कर लिया, अभी इधर ध्यान दे देंगे। ये भाई इन्वेस्ट कितना किया, 22,500। तो 1 मिनट, टोटल खर्चा, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 22,500। अच्छा यशवी ये बताओ ना, ये ₹50 क्या दिया हुआ है? वेरी वेरी गुड यार, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है यशवी, क्या बात है, फेस वैल्यू ही है ₹50 ऑब्वियसली। अच्छा अवेलेबल है 10% डिस्काउंट, तो सर जो डिस्काउंट है पर शेयर कितना है, डिस्काउंट पर शेयर लिखा हुआ है 10%, मतलब ₹5। सर जिसको नहीं समझ में आता ये रहा देख लो, 10/100 × 50, हाँ या ना बोलो, मतलब आपका जो है ₹5 डिस्काउंट है। तो यानी कि यार एक बात बता ओम, मार्केट वैल्यू क्या होगा शेयर का? अरे ₹50 था, उस पर ₹5 डिस्काउंट मिल रहा है, तो ₹45 पे बिक रहा है शेयर। या ये बात चमका था, यस और नो, कॉपी कर लो इतना जिसका नहीं हुआ हुआ है। या ये बात हो गया था, वेरी गुड वेरी गुड। तो ₹45 हो गया पर शेयर का, ₹45 हो गया पर शेयर का। अभी इधर ध्यान से सुनो, अभी इधर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है नंबर ऑफ शेयर्स। ओ भाई एक शेयर का ₹45 है और इसके पास 22,500 है खर्चा करने का, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू 22,500/45, यानी कि 45,500 और 2 0 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये भाई कितना खरीद के लेकर आया, 500 शेयर्स। पहला बात खत्म हो गया, देखो बेटर अब समझ में आ रहा, हो गया 500 शेयर। अब डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है सबको मालूम है, एनुअल डिविडेंड इक्वल्स टू 500 शेयर है, एक शेयर की कीमत फेस वैल्यू के टर्म में 50 है और 12% डिविडेंड रेट है, तो इंटू 50 इंटू कितना परसेंट है बोलिए, 12% है, तो बस फिर क्या था, 52,26,000, यानी रुपीज एनुअल डिविडेंड कितना आ गया बोलिए, ₹3,000 ये भाई टोटल में कमा रहा है, ₹3,000 टोटल में कमा रहा है। कौन बोला तुमको एनुअल है तो 12 से क्यों, डिविडेंड का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, खाली बोका बनाने के लिए दिया, तुम बनने के लिए बैठा था। हम कब बोला कि इसका, हम वो एक बार भी बोला क्या मंथली और कुछ एनुअल, मतलब कि पूरे साल में कितना शेयर था उतना था बस, डिविडेंड थोड़ी मंथली मिलता है तुमको, प्रॉफिट इतना हुआ उसका मिलेगा, कोई 12 से नहीं मल्टीप्लाई होगा। एनुअल ऐसे ही दिया हुआ था चमकाने के लिए। और तीसरा बात है आपका रेट ऑफ रिटर्न, मालिक रेट ऑफ रिटर्न है आपका, आप डिविडेंड कितना अर्न किए 3,000, इन्वेस्ट कितना किए थे याद है 22,500 × 100,
2500 × 100 दो जीरो गया यहाँ पर, तो आप लोगों का ये जो परसेंटेज में आया 40/3 परसेंटेज आया, यानी 13 1/3 परसेंट आया। लेकिन आप लोग को क्या बोला गया था, होल नंबर, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1/3 को इग्नोर कर देंगे, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे 13%। कितना लिखेंगे 13, क्योंकि 13 1/3% है ना, तो होल नंबर का मतलब है 13%, होल नंबर मतलब 13%, क्योंकि होल नंबर में कोई फ्रैक्शन नहीं होता है, इक्वल टू 13%। अरे क्या हुआ तुमको, क्या हो गया, परेशान क्यों कर रहा है, इक्वल टू 13%, वेरी गुड, कॉपी कर लो। अब देखो, अब ये मोमेंट आया होगा कि जहां लगभग लगभग इसमें बेसिक बुद्धि भी है, उन लोगों को कंफर्ट आने लग गया होगा इसका। एक और क्वेश्चन करते हैं जाते जाते, चलिए क्वेश्चन लिखिए, आईसीएससी 11 का है, मिस्टर पी इन्वेस्टेड, फटाफट कॉपी करो, ₹52,000 ऑन ₹100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ ₹20, पेइंग 8% डिविडेंड, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब यहां पे एक थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया, तुम लोग में से देखना आधा लोग पागल हो जाएगा देख के, एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹20, एट प्रीमियम ऑफ ₹20 फाइंड, देखो कृति अभी वापस से 12 × करके दिखाएगा, फाइंड एनुअल डिविडेंड, दूसरा टोटल प्रॉफिट अर्न, टोटल प्रॉफिट मेड। चलो अटैक, लास्ट क्वेश्चन है, कायदे से करना, ये बुक किसका है, बाकी लेके जा, हो गया तुम्हारा सब, इधर देखिए, इस भाई के पास फेस वैल्यू है ₹100, हाँ ना बोलो, हाँ या ना, अच्छा, और सर मार्केट वैल्यू कितना है सर, वेरी गुड, क्योंकि ₹100 में ₹20 डिस्काउंट दे दिया सर आपने। अब अपने को पता है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स कितना खरीदा, सर लिपिका बोल रही है उसको बोलने दें, ओके लिपिका, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, कितना खरीदा, हाँ तो कितना इन्वेस्टमेंट है, हाँ डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, देखिए उनको समझ में आ गया, तो यानी कि ये हो गया कितना आया जी, अच्छा 4,2,4,1,3,650 आ रहा है ऐसा लग रहा है, तो यानी कि सर ये भाई 650 शेयर्स खरीद के ले आए, हाँ या ना बोलो, अभी एनुअल डिविडेंड। अब अपने को निकालना एनुअल डिविडेंड, ओम कितना शेयर्स है, 650 शेयर, फेस वैल्यू कितना है शेयर का, ₹100, कितना ₹100, डिविडेंड रेट कितना है बोलो, डिविडेंड रेट है अपने लोग का 8%, कितना है 8%, और क्योंकि एनुअल लिखा है तो कृतिव अपने मल्टीप्लाई कर देंगे 12, है ना, नहीं
बिल्कुल भी नहीं, 200 गया, 650 इंटू 8 कितना आया सर, देखो 1300 इंटू 450, 200 आ रहा है क्या? देख क्या तुम लोग भी यार, 8 को 2 इंटू 4 कर लो तो 650 इंटू 2 1300 होता है, 1300 इंटू 4 5200, इतना ढीला बन के क्या करेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो 5200 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, 8 को 2 इंटू 4 में ब्रेक किया था और कोई भी जादू नहीं किया, क्लियर है? तो 5200 एनुअल डिविडेंड आया हमारा। अब मजा आया, ये भाई क्या बोला कि डिविडेंड से हम खुश नहीं है काली, अब हम शेयर को बेच देगा, क्या करेगा शेयर को बेच देगा। यशवी ये प्रीमियम पे बेचा 20 रुपया का, इसका मतलब क्या हुआ, कितना में बेचा? हाँ तो कितना हुआ मार्केट वैल्यू प्रीमियम अमाउंट किस पे जुड़ता है, बेस वैल्यू कितना है? 120 पे बेचेगा ना, फेस वैल्यू 100 रुपया है और एक प्रीमियम पे बेचा, मतलब फेस वैल्यू के प्रीमियम पे बेचा, खरीदने के दाम के प्रीमियम पे नहीं बेचा। यशवी क्या गलती कर रही है नहीं समझे, वो सोच रही है कि 80 रुपया में ये खरीदा था, 20 रुपया प्रीमियम मतलब 80 पे 20, अरे 80 तो मार्केट वैल्यू है, वो 100 रुपया में 20 रुपया बढ़ाया, इस पर बढ़ाया 100 रुपया पे 20, मतलब 120 में बेचा है ना। तो यानी सेलिंग प्राइस पर शेयर यह हमेशा फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट होता है, आकृति हमेशा फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट होता है, यानी कि 100 + 20 यानी ₹120। तो टोटल सेल्स वैल्यू 650 शेयर्स बेचा ना यार, तो 650 × 120 टोटल सेल्स वैल्यू कितना है, क्योंकि 650 शेयर था, एक शेयर 120 में बेचा, तो टोटल कितना आया 650 × 120 बोल। अरे इधर देखो कैसे किया, 650 था तो 120 को 120 में ब्रेक कर दिया, 650 × 100 = 65,000 और 2 था तो वो 13,000 65 और 13,000 हो गया 78,000, तो ये टोटल इसका सेल्स वैल्यू आया। हाँ या ना बोलो, अरे यार प्रॉफिट ऑन सेल ये देखो, ओम बेचा कितना में 78,000 में और ये भाई खरीदा कितना में था 52,000 में, तो प्रॉफिट तो यहां भी बना कि नहीं बना, बना ना खरीदने पर भी और बेचने पर भी, यानी कि ₹26,000। लेकिन अपने लोग को तो, अपने लोग को तो माही ओवरऑल टोटल प्रॉफिट निकालना था, तो माही 26,000 रुपया तो ये माल बेच के बनाया और बाकी डिविडेंड से भी तो पैसा आया था, तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 26,000 जो ये खरीदने बेचने में बनाया प्लस ये जो डिविडेंड कमाया 5,200। हाँ या ना बोलो, दो जगह से पैसा आया, एक माल बेच के और एक डिविडेंड कमा के, तो यानी 31,200 खत्म। यार ये इतना सिंपल है, आप एक घर खरीदे, घर 5 साल बाद बेचे, ज्यादा दाम में बेचे होंगे तो उधर प्रॉफिट हुआ, और वो 5 साल का घर क्या सुनसान था, रेंट पे दिया हुआ था ना, तो वो रेंट का भी पैसा कमाए और प्लस बेच के भी तो प्रॉफिट बनाए। वही तो है कि जब तक शेयर मेरे पास था तब तक हम डिविडेंड भी बनाया और जब बेचा तो उस पर प्रॉफिट भी। क्या है इसमें बताओ, होमवर्क क्या है, जितना सम्स कर सकते हो करो, मिनिमम 10 क्वेश्चन सबका करके दिखाने हैं सबको। फ्राइडे को हम और थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेगा एंड वी विल वाइंड दिस अप। अगर आप लोग सोचो कि सिखाने के वास्ते सर सब सिखा दिए क्या, तो हाँ सिखाने के हिसाब से सब सिखा दिया, कोई का अगर कल भी एग्जाम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परसों हम खाली प्रैक्टिस के लिए बात कर रहा है। दैट्स इट यार, गुड बाय एवरीवन।